जावेद जी रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। मनोज जी रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कैलकुलेशन के बारे में, थोड़ा सीखा था। ठीक है, ठीक, इधर देखिए। तो हमारा टॉपिक हो, हम लोग एडवांस इनवॉइसिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इस पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पर हमने काउंटर सेल सीख लिया। ठीक, ईमेल सेटअप सीख लिया। ठीक, फिर हमने थोड़ा बहुत कल कैलकुलेशन के बारे में जाना कि इंक्लूसिव जीएसटी अगर लगाना है बिल में या तो वो कैसे चार्ज होगा, उसके बारे में सीख लिया। ठीक, आज का टॉपिक जो हमारा है, ठीक है, ये भी काफी बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान समझिएगा। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज वाइज बिलिंग। ठीक अच्छा रिकॉर्डिंग चालू है है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? सीरीज वाइज बिलिंग सर, रिकॉर्डिंग चालू करो ना। मैं दे रहा हूं 2 मिनट के। दे दिया मैम। चलिए, तो आज म्यूट कर लीजिए। हाँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज वाइज बिलिंग। तो ये सीरीज वाइज बिलिंग क्या होता है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। चलिए, जैसे देखो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझाता हूँ, ध्यान समझना, वही चीज है, पहले कॉन्सेप्ट समझना है फिर आगे हमें कंटिन्यू करना है। जैसे एक चीज ध्यान दीजिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझिएगा। पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे हमने अपने कस्टमर को बांट रखा है, हमारे यहाँ 2 टाइप के कस्टमर आते हैं। फिर इसको और अच्छी तरह समझाऊंगा, और पहले एक कंसेप्ट पे समझिएगा, ये मत समझिएगा रिटेल्स के लिए यूज नहीं होगा, रिटेल सेक्टर में भी ये यूज होता है, कैसे यूज होगा वो बताऊंगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 2 टाइप के कस्टमर आते हैं, हम लोग होलसेल में भी सामान बेचते हैं, होलसेल कस्टमर भी आते हैं जो हमसे ज्यादा सामान लेके जाते हैं। ठीक, और हमारे पास रिटेल कस्टमर भी आते हैं। ठीक, होलसेल कस्टमर भी हमारे पास आते हैं और रिटेल कस्टमर भी आते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो हम सेल बिल में जाते हैं और नॉर्मली हम क्या करते हैं, कस्टमर को बिल काट देते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मिस्टर आर हैं, मिस्टर आर हमारे पास आए, हमने बिल बना दिया, उमेश जी के 5 पीस दिए, टेस्ट आइटम के 10 पीस दिए, टेस्ट टू आइटम के 5 पीस दिए और सेव कर लिया। मान लो अब कोई आए, मान लो ये मिस्टर आर के को सामान बेच रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल बना देते हैं। अच्छा, क्रेडिट लिमिट क्रॉस है, रुक जाइए। ठीक है, मिस्टर आर के 10 पीस और 2 मिनट दीजिएगा, 10 पीस। ठीक, अब समझिएगा बात को। मैं सुबह, मैंने जो सामान सुबह शाम तक मेरे पास होलसेल में भी आया सामान लेने कस्टमर, और रिटेल में भी आया, मैंने होलसेल कस्टमर को भी मैंने माल बिल बनाया और रिटेल कस्टमर को भी बिल बनाया। ठीक, अब हम ट्रांजेक्शन में गए, सेल में गए और मॉडिफाई बिल में गए। ठीक, अब देखिए, आज मैंने सुबह शाम तक 4 बिल काटे हैं,
तो क्या अगर मान लीजिए 100 बिल, अगर हमने सुबह से शाम तक 100 बिल काटे, उसमें होलसेल में भी माल बेचा और रिटेल में भी माल बेचा, तो मान लीजिए आपके सामने सपोज ये 100 बिल हैं, तो क्या यहाँ पे आप देख के बता सकते हो, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मुझे ये बताइए ये 100, आज सुबह से शाम तक 100 बिल कटे हैं, तो 100 में से कितना होलसेल में बिल का सामान बेचा है, या होलसेल के कितने बिल हैं या रिटेल के कितने बिल हैं, क्या अभी ये बता सकते हो आप? मान लीजिए मैंने कहा, मैंने सुबह ये सपोज जेट इधर देखिए, ये सुबह शाम तक मैंने इतने बिल काटे हैं, ये देखिए, तो क्या आप हम इसमें से ये फाइंड आउट कर सकते हैं मैंने होलसेल में होलसेल कस्टमर को कितना सामान बेचा, रिटेल को कितना बेचा, क्या ये पता चल सकता है? बताइए क्यों भाई? नहीं। तो अगर मान लीजिए हमारे यहाँ दो टाइप के कस्टमर आते हैं, हम होलसेल कस्टमर को भी सामान बेचते हैं और रिटेल कस्टमर को भी सामान बेचते हैं, तो अगर हम चाहें कि हम अपने सेल ट्रांजेक्शन को कैटेगराइज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सुबह से शाम तक मैंने 100 सेल बिल बनाए, ठीक, 100 लोगों को सेल बिल काटा, 100 में से 60 होलसेल कस्टमर को और 40 रिटेल को, ठीक। तो अब यहां तो लाइन से 1 2 करके 100 बिल दिखा रहे हैं, अगर मुझसे कहा जाए मुझे केवल इन 100 बिलों में वो बिल देखने हैं, 100 बिल में से जो होलसेल में काटे गए हैं, तो वो कैसे थे, यानी केवल होलसेल वाले आए बाकी रिटेल वाले हट जाए, या 100 बिल में से केवल हमें वो बिल देखने हैं जो रिटेल में काटे गए हैं, यानी वो 40 शुक्र है बाकी। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए हम सीरीज ऑप्शन का यूज करते हैं, यानी सीरीज वाइज बिलिंग ऑप्शन का यूज करके हम अपने सेल ट्रांजेक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब वो कैटेगराइजेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, ऐसा नहीं मैं हो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने मान लिया यहाँ पे दे दिया ओल्ड कस्टमर, न्यू कस्टमर, ठीक। तो मुझे जानना है कि मगर मैंने 100 बिल बनाए हैं, तो उसमें से होलसेल ओल्ड कस्टमर को कितना बिल कटे हैं, या 100 बिल बनाए हैं तो उसमें से रिटेल कस्टमर को कितने बिल कटे हैं, यानी मैं यहाँ पे जब अपने सेल के ट्रांजेक्शन देखने आता हूँ, तो मैंने इनमें होलसेल में भी बिल काटे गए होंगे और रिटेल में भी काटे गए होंगे, तो मैं केवल केवल होलसेल के बिल देखना चाहता हूँ, रिटेल के नहीं देखना चाहता हूँ, या केवल मैं रिटेल के देखना चाहता हूँ होलसेल के नहीं देखना चाहता हूँ, वो चीज कैसे होगी? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, कंसेप्ट क्लियर है तो आगे स्टार्ट करूँ। सीरीज वाइज बिलिंग का यूज समझ में आ गया आपको? यानी अगर आपको अपने ट्रांजेक्शंस को कैटेगराइज करना है, तो सीरीज ऑप्शन का यूज करके आप अपने ट्रांजेक्शंस को कैटेगराइज कर सकते हो। तो सीरीज आपको सीरीज क्रिएट करनी पड़ती है, अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंग आपको सीरीज बनानी पड़ती है। तो इसके लिए नोट डाउन कर लीजिए, सीरीज ऑप्शन एक्टिव करने के लिए, सीरीज ऑप्शन मैं बता तो रहा, बताया तो मैंने जरूरत क्या है, अभी बता देते हैं जरूरत क्या है। पूरा कॉन्सेप्ट विपुल जी देख लीजिए तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी में क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा कॉन्सेप्ट देखे समझ में आ जाएगा। जलपा जी हैं या नहीं? चलिए एक बार, ये 1 मिनट रुक जाइए, मैं अभी जरूरत आपको बता दूंगा क्या है इसकी, ठीक है। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आप अपने ट्रांजेक्शंस को कस्टमर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। तो सीरीज क्रिएट करनी पड़ती है, जितने टाइप्स के कैटेगराइजेशन आप करना चाहते हो उतने टाइप्स की आपको सीरीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सीरीज एक्टिव करने के लिए नोट कर लीजिए, गो टू कंट्रोल रूम एंड सर्च सीरीज, नोट कर लीजिए, फिर अभी जरूरत पता चल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम कंट्रोल रूम में जाएंगे और सीरीज सर्च कराएंगे,
ठीक है, एंटर किया। अब देखो मैंने आपको अभी तो सेल के बारे में बताया था, बट ऐसा नहीं है सीरीज ऑप्शन केवल सेल में ही यूज हो सकता है। सेल वाउचर में, सेल रिटर्न वाउचर में, परचेज वाउचर में, किसी में भी आप एक्टिव कर सकते हो। मैं भी एक एग्जांपल के थ्रू सेल के बारे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेल में यस कर दिया कि मल्टी सीरीज ऑप्शन चाहिए मुझे सेल में, तो यहाँ वाई कर देंगे। नोट कर लीजिए मल्टी सीरीज सेल, ये कंट्रोल रूम की सेटिंग नोट कर लिया करिए। ठीक है, जैसे ही इस ऑप्शन को यस करेंगे उसके बाद बाहर आ जाइए, एस्केप करके, बस अभी और कुछ नहीं करना है। इतना क्लियर? अब मैंने कहा मैं सेल ट्रांजेक्शन को तीन दो पार्ट में कैटेगराइज करना चाहता हूँ। मैं अपने सेल बिल दो टाइप में कैटेगराइज करना चाहता हूँ। ये देखिए, समझिएगा बात को, सेल बिल को दो टाइप में कैटेगराइज करना चाहता हूँ। नंबर वन, होलसेल एंड रिटेल। ठीक, ठीक है। तो जितने टाइप से आपको अपने ट्रांजेक्शन को कैटेगराइज करना है उतनी सीरीज आपको बनानी पड़ती है। तो मैंने सीरीज ऑप्शन एक्टिव कर दिया, तो अब मुझे दो टाइप की सेल बिल में दो टाइप की सीरीज की रिक्वायरमेंट है, एक होलसेल सीरीज, एक रिटेल सीरीज। तो नोट डाउन करिए, सीरीज क्रिएट करने के लिए मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर और सीरीज मास्टर। लेकिन ये ऑप्शन तभी आएगा जब कंट्रोल रूम में मल्टी सीरीज सेल ऑफ इनेबल करोगे तब। अगर वो ऑफ रहता तो यहाँ पे सीरीज ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, ठीक है, एंटर करेंगे। अब ध्यान दीजिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मेरे पास सीरीज बनी हुई है। ठीक, फिर से देखिए, मैं आ गया इन्वेंटरी मास्टर, फिर मैं आया सीरीज मास्टर पर एंटर कर दिया। तो अभी देखिए कोई सीरीज नहीं है। अब सीरीज आपके अपने अकॉर्डिंग से, हमने होलसेल का एक सीरीज बनाना है, एक रिटेल का, तो क्रिएट करने की शॉर्टकट की आप लोगों को मालूम है, F2। ठीक, अब यहाँ सीरीज का शॉर्ट नेम लिखते हैं। सीरीज का शॉर्ट नेम मैक्सिमम चार कैरेक्टर का हो सकता है, तो हमने होल सेल के लिए WH लिख दिया। अभी इसका मतलब पता चलेगा, WH का मतलब क्या होता है, फॉर होल सेल। ठीक, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पे यूज इन, ये जो होल सेल सीरीज आप क्रिएट कर रहे हो इसका यूज कहाँ करोगे, हमने कहा सेल में करेंगे। एंटर, यहाँ कुछ नहीं करना अभी आपको। एंटर, बन गई F2 RT, रिटेल, पूरा नाम रिटेल। एंटर, और ये भी कहाँ यूज करोगे, सेल वाउचर। एंटर, एंटर, दोनों सीरीज क्रिएट हो गई, होलसेल और रिटेल की। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में, अगर इसमें कुछ मॉडिफाई करना है F3 कर दीजिए, मॉडिफाई हो जाए। ठीक, अच्छा, अब देखिए, अब मैं जब सेल बिल बनाने जाऊंगा सॉफ्टवेयर में, तो जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूंगा, तो सॉफ्टवेयर हमसे पूछ रहा है कि भाई आपको होलसेल सीरीज, होलसेलर को माल बेच रहे हैं तो होलसेल सीरीज, रिटेलर को माल बेच रहे हैं तो रिटेल सीरीज। तो हमने कहा होलसेल। एंटर, किसको बेच रहे हैं, हमने कहा RK प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए, अब यहाँ देखिए आपको समझ में आ गया होगा। देखो सीरीज, जो सीरीज का शॉर्ट नाम दिया उसका मतलब समझ में आ गया क्या है, मुझे ये बताइए। सीरीज में जब क्रिएट करते समय जो शॉर्ट नेम दिया था उसका मतलब समझ में आया क्या है? जो वो शॉर्ट नेम दोगे वो बिल के ऊपर यहाँ पे स्टार्टिंग में लग जाएगा, क्या बेच रहे हैं। देखिए अभी विपिन जी इसका यूज समझ में आएगा। 10 पीस, 5 पीस, 10 पीस और सेव कर दिया। ठीक, क्लियर। अब मुझे रिटेल में बिल काटना है, तो मैं फिर से बिल में जाऊंगा, दूसरा कस्टमर रिटेलर है, तो रिटेल सीरीज लिया। एंटर, मैंने कहा मिस्टर आर। एंटर,
एंड ये देखिए आरटी, इनको क्या सामान बेच रहे हैं, हमने कैंडी के 5 पीस और आइटम पी क्यू के 5 पीस, आइटम इसके 2 पीस, ठीक, और सेव कर लिया, पॉइंट क्लियर। फिर एक एक बिल और बना लेते हैं होलसेल डिटेल का। फिर सीरीज में गए, हमने कहा होलसेल, एंटर, मिस्टर आर, एंटर, ठीक है। एक हम रिटेल का बिल काट लेते हैं, चलिए रिटेल, मिस्टर आर, ठीक, और सेव कर लिया, पॉइंट क्लियर। अब देखो फायदा क्या हो, मान लीजिए सुबह से शाम तक आपने 100 बिल बनाए, मान लीजिए सुबह से शाम तक आपने 100 बिल काटे, हाँ जी, मान लीजिए आपने सुबह से 100 बिल काटे, शाम तक आपने 100 बिल काटे हैं, ठीक है। अभी सीरीज का मतलब मैं बताऊंगा, अब इसमें जो रिटेलर्स होंगे वो तो सोचेंगे हमारे किस काम का, उनके काम का भी है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने सुबह शाम तक 100 बिल काटे, तो आपसे कहा गया कि भाई मुझे सुबह से शाम तक हमने कितने बिल बनाए, आपने कहा 100 बिल, हमने कहा 100 बिल में से होलसेल को भी माल बेचा होगा, रिटेल कस्टमर को भी माल बेचा होगा, आपने कहा, हमने कहा जरा दिखाना बिल, ट्रांजेक्शन में गए, बिल मॉडिफाई में गए, आपने कहा सर ये बिल है, हमने कहा तुम मुझे ये बता सकते हो इस आज सुबह से शाम तक अगर इतने बिल काटे गए हैं तो मुझे केवल ये बताओ इसमें से, आप मुझे केवल होलसेल की रिपोर्ट देखनी है, होलसेल में कितने बिल बने हैं, किसको किसको बने, कितने कितने अमाउंट के बने। तो देखिए जब आप सेल मॉडिफाई में जाते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक, तो ये अगर आपको अब वो सीरीज आ रहा है, अगर होलसेल सेलेक्ट करेंगे तो केवल वो बिल आपके सामने सेल मॉडिफाई में शो होंगे जो होलसेल में कटे, इसका ऑल्ट पी करके प्रिंट आउट ले सकते हैं आप, ये देखिए अभी नहीं आ रहा है वो डेट के कारण, ठीक है, 24 का दिखा रहा है, मतलब जिस पार्टी, अगर पार्टी हम नो कर देते हैं, ठीक है, एक मिनट, हेलो सर, अभी कॉल करता हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रहा था, मार्ग ईआरपी लिमिटेड से बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको कॉल बैक करता हूँ 4 बजे, ठीक है सर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको केवल रिटेल के बिल देखने हैं, रिटेल में कितने बिल काटे गए हैं, तो जब यहाँ पे आओगे तो केवल अगर रिटेल पे एंटर करते हो तो वो बिल शो होगा जो रिटेल सीरीज में कटे हैं, यानी क्लासिफिकेशन है। अगर आप कहते हो कि मुझे दोनों देखने हैं, टोटल कितने बिल कटे हैं, तो जब यहाँ आप एंटर करोगे तो अब यहाँ ब्लैंक पे जब आप क्लिक करोगे तो होलसेल रिटेल दोनों के दिखाएगा। तो अब ये समझ में आ गया कि अगर हमें अपने सेल ट्रांजेक्शंस को कैटेगराइज करना है तो हम सीरीज ऑप्शन का यूज सेल ट्रांजेक्शंस को कैटेगराइज करके कर सकते हैं। अब समझ में आया, ठीक। अगला पॉइंट, अब यहां ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब इसका एक्चुअल और क्या क्या यूजेज हैं, एक सेल को कैटेगराइजेशन, अपने ट्रांजेक्शन को कैटेगराइज करने के लिए इसका यूज तो करते ही हैं, बट इसके अलावा और भी यूज हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए इधर देखिए, मैं एक आइटम क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसका डेटा चाहिए, आइटम एम के, एक मिनट दीजिएगा, डेटा रेडी कर लूं, आइटम वाई एल, ठीक। अब देखिएगा अब इंटरेस्टिंग चीज है, क्या सीरीज का और क्या क्या यूज होता है, मिनट, हाँ आइटम वाई एल, एक मिनट, परचेज चढ़ा रहा हूं, अभी स्टॉक होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, और दूसरा क्या बताया था, दूसरे आइटम का नाम क्या दिया था, टीवी, हाँ
नहीं टीवी नहीं था, कुछ और था। एम के, हाँ ठीक है, आइटम एम के, ये ठीक, इसको भी खरीद लेते हैं। क्यों अभी मैं बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए सेव किया, अब समझिए मेरी बात को, ध्यान समझिएगा ठीक है। सीरीज का और क्या यूज होता है, ट्रांजिशंस को कैटेगराइज के करने के लिए तो है ही है। अब आप कहते हो कि सर मेरे यहाँ, अब ध्यान समझिएगा, ये रेट से रिलेटेड है। आपने कहा सर हमारे यहाँ दो टाइप के कस्टमर आते हैं, हम होलसेल में भी माल बेचते हैं, रिटेल में भी माल बेचते हैं। हमने कहा ठीक है, तो कहते हैं जैसे मान लो मेरा आइटम ए है, हमने कहा ठीक है। तो आप कहते हो कि अगर आइटम ए मैं होलसेल कस्टमर को बेचूं तो रेट ए पे बिलिंग होनी चाहिए, हमने कहा अच्छा जी। और आपने कहा कि अगर आइटम बी, सॉरी आइटम ए मैं रिटेल कस्टमर को बेचूं तो रेट बी पे बिलिंग होनी चाहिए। तो आपने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मान लीजिए ये है होलसेलर है कस्टमर ए ठीक, और ये रिटेलर है कस्टमर बी, रेट वाला तो आप पढ़े ही हो। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो होलसेल के कस्टमर हैं उनको ए रेट पे बिलिंग होनी चाहिए, और जो रिटेल कस्टमर हैं उनको हमारे यहाँ कोई सामान बेचा जाए तो बी रेट पे बिकना चाहिए। ये कंसेप्ट आप ओल्ड न्यू कस्टमर भी कर सकते हो कि भैया पुराने कस्टमर को ए रेट, मान लो हमारे आइटम के दो रेट हैं, ध्यान समझिए, पढ़ा हुआ है क्यों मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान समझिएगा। आइटम एम क्यू, जैसे देखो हमारा आइटम एम के है तो हम इसको 20 रुपए में भी बेचते हैं, 40 रुपए में बेचते हैं। तो हमने कहा अगर किसी होलसेल कस्टमर को बेचा जाए तो ए रेट में सामान बिके, और किसी रिटेल कस्टमर को बेचा जाए तो बी रेट में सामान बिके। तो आपने कहा सर इसमें हमने दो तीन रेट से रिलेटेड हमने दो तीन चीजें पढ़ी हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कस्टमर ए है, सी ए डेबिटर, डेबिटर ही देते हैं ठीक। तो ये होलसेलर है, तो इसको जब हमारे यहाँ से सामान बेचा जाए कोई भी आइटम तो ए रेट पे बिकना चाहिए। और आपने कहा कि मान लीजिए एक कस्टमर है आर टी डेबिटर, आपने कहा ये रिटेलर है, इसको हमारे यहाँ से कोई सामान बेचा जाए तो बी रेट पे बिकना चाहिए। तो आपने कहा सर बड़ा सिंपल है, ये तो हमें पढ़ा हुआ है कि जब हम बिलिंग करने जाएंगे तो इसके लेजर में जाके अदर रिटेल में आज की ए रेट सेट कर देंगे और दूसरे वाले में जाके बी रेट सेट कर देंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आपने बोला कि कंट्रोल रूम में एक ऑप्शन दिया है रेट के लिए आज से लेट, कि जब बिलिंग करने जाएंगे तो यहाँ कस्टमर हमसे पूछेगा कि इसको ए रेट पे बेचना है बी रेट पे ठीक। और तीसरा था आइटम वाइज, बट यहाँ पे पॉइंट ये है, मान लीजिए आपके, मान लीजिए आपके 200 कस्टमर हैं या 2000, 200 कस्टमर हैं, 200 कस्टमर्स में से 120 कस्टमर होलसेल के हैं और बाकी बचे 80 कस्टमर रिटेल के हैं। तो आपको ये, आप कहते हो इनको हमारे यहाँ से कोई माल बेचा जाए ए रेट पे बिकना चाहिए, इनको बी रेट पे। तो मुझे एक चीज बताइए आप, मैं लेजर वाले पे ही लेके चलूं तो आपको हर पार्टी के लेजर में जाके डिफाइन करना पड़ेगा ना कि इसको ए रेट पे बिलिंग हो या बी रेट पे, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई होलसेल को ए रेट पे माल बिकेगा, रिटेल को बी रेट पे, हमारे यहाँ हर आइटम के दो रेट हैं। तो आपको मालूम सर, आप आइटम में अगर मल्टीपल रेट सेट है तो पार्टी के लेजर में जाके ए रेट बी रेट सेट कर देंगे। अब ए रेट होगा तो ए रेट पे बिलिंग होगी, बी रेट होगा बी रेट पे बिलिंग होगी। बट मान लीजिए मैंने कहा आपको वो तरीका मालूम है, वो लेंदी प्रोसेस हो गया कि सर कस्टमर कहता है कि हमारे 200 कस्टमर, हम एक एक कस्टमर क्यों जाके सेट करें, आगे बढ़ते भी हैं हर कस्टमर में जाके हमें बार बार सेट करना पड़ता है। कोई ऐसा तरीका बताओ ना कि हम सॉफ्टवेयर को ये बता दें अगर होलसेलर है तो ए रेट पे माल बिके, रिटेलर है तो बी रेट पे, यानी सीरीज वाइज। अब देखिए तो सीरीज ऑप्शन का यूज सेल रेट के लिए भी किया जा सकता है। देखिए जब हमने सीरीज बनाई थी यहाँ पे जब हम सीरीज बनाई थी ठीक है, या आप इसको ऐसे कर सकते हो कैश में सामान बिके तो थोड़ा रेट 1 रुपए कम लेंगे और क्रेडिट में बेचे तो बी रेट पे।
सी वो आपके ऊपर है। अब हमने कहा होलसेल में अगर हम किसी होलसेल सीरीज में जब सामान बेचेंगे तो ए रेट पे बिलिंग होनी चाहिए, राइट, ये कर दिया। और हमने कहा रिटेल में जब सामान बेचेंगे तो बी रेट पे बिलिंग होनी चाहिए। समझ में आई बात? अब देखो, अब जब हम सेल बिल बनाएंगे तो हमें बस ये बताना है सॉफ्टवेयर को कि जिस, अब हमें पार्टी के लेजर में रेट नहीं सेट करना है, हमें सॉफ्टवेयर को मालूम है कि होल सेल सीरीज में बिल कटेगा तो ए रेट पे माल बिकेगा, कोई भी आइटम बेचा जाएगा। रिटेल सीरीज में बिल कटेगा तो बी रेट पे माल बिकेगा, कोई भी सामान बेचा जाएगा। तो अब देखो होल सेल, हमने बस सॉफ्टवेयर को बताया कि जिस कस्टमर को हम माल बेचने जा रहे हैं होल सेल का है, मिस्टर आर के, ध्यान दीजिएगा, आइटम एम के, देखो ए रेट उठा रहा है 20 रुपए, 240 था इसका, दो पीस। आइटम वाई एल, देख लो वाई एल का 110 रुपए रेट है और 20 रुपए रेट है, तो कितने में बिका? 10 रुपए में, ए रेट पे बिलिंग हो रही है। अब मैं दूसरे कस्टमर को बिल बनाने जा रहा हूँ, ठीक, हमने कहा ये रिटेलर है, तो अब हमें हम सॉफ्टवेयर को इस बात से मतलब किस कस्टमर को बेच रहे हो उससे मतलब नहीं है। सॉफ्टवेयर को आपको, सॉफ्टवेयर को आपने ये बताया रिटेल सीरीज में बिल कटेगा बी रेट पे, एंटर, हमने कहा मिस्टर आर, ठीक, एंटर, चेक करिएगा, ये देखो आइटम वाई के वाई एल 20 रुपए में बिक रहा है और आइटम एम के 40 रुपए में बिक रहा है। चैट बॉक्स में लिख के बताओ, समझ में आया नहीं आया? आप मुझसे यूज पूछ रहे थे, यानी अब रेट तो आइटम में सेट करेंगे ना, आइटम बनाते वक्त, या बैच में सेट करेंगे? इधर देखिए, अरे मुझे एक चीज बताओ, अगर हम कोई एक चीज मुझे बताइए, फर्स्ट हम आइटम क्रिएट करने के बाद क्या, अगर उसमें हमें यहाँ पे अब हम रेट चेंज कर सकते हैं? रेट कहाँ चेंज होते हैं? रेट वाला कॉन्सेप्ट भूल गए क्या आप लोग? हाँ अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ, रुकिए। हाँ सर, ये होलसेल सीरीज में रेट कैसे सेट किए? वो, अच्छा वो बताना है, वो देखो, वो देखो यहाँ पे है, जब सीरीज में हम ऑप्शन आता है, सीरीज बना, यही बनाए थे ना सीरीज, क्यों हाँ सर, यहाँ पे जब मान लो हमने कहा, आपने कहा आप जब बिल काटोगे तो आपके पास दो सीरीज पूछेगा कि होलसेल में सीरीज में बिल काटना है रिटेल में, राइट, ठीक हाँ सर, है। अब आपने F3 किया और ये देखो यहाँ पे आता है ऑप्शन, ये ठीक सर। उसमें ए रेट कर दिया, और सर ऊपर वाले में क्या करना है, यूज्ड वाले में? वो सेल किस वाउचर में यूज होगा इस सीरीज का, ठीक है। अच्छा ठीक सर, आप समझ में आया? हाँ सर, ठीक, ये तो हुआ अभी एक चीज, अब दूसरी चीज बताते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, कल मैंने आपको कैलकुलेशन पढ़ाया था ना, कैलकुलेशन क्यों, इसीलिए पढ़ाया था, कल मैंने आपको कैलकुलेशन पढ़ाया था। कुछ लोग कहते हैं, अब देखो एक पहले एक चीज क्लियर करके फिर आता हूँ, सीरीज ऑप्शन का यूज, आप कहोगे सर ये रिटेल, हम हमारा तो रिटेल काउंटर, हम कस्टमर को सामान बेचते हैं, वहां कैसे कैटेगराइज करें? अरे भाई आप कैश की सीरीज बना लो CA, और क्रेडिट की सीरीज बना लो CR, तो अपने सेल रिपोर्ट में जाके देखोगे तो क्या कैश के ट्रांजेक्शन देखने, कैश के आ जाएंगे, क्रेडिट के तो क्रेडिट के आ जाएंगे, कैश के क्रेडिट के अकॉर्डिंग आप रेट सेट कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने सीरीज में आपको कल हमने एक चीज बताई थी कैलकुलेशन के बारे में कि इंक्लूसिव GST लगाना है या एक्सक्लूसिव GST लगाना है, ठीक है। 1 मिनट, तो हम ये चाहते हैं जब मैं होलसेल सीरीज में बिल काटूं तो GST एक्सक्लूसिव लगे, और रिटेल सीरीज में जब बिल काटूं तो GST इंक्लूसिव लगे, तो वो कैसे हो? या रेट के रिलेटेड भी, कैलकुलेशन से पहले रेट के रिलेटेड भी एक चीज बता देता हूं मैं आपको, इधर देखिए। जैसे मान लो एक दो होलसेलर होते, मैंने मान लिया होलसेल का बिजनेस है मेरा, तो मैंने क्या किया अपनी शॉप में ही रिटेल काउंटर भी खोल दिया,
तो मैं कहता हूँ रिटेल में तो एमआरपी मतलब एंड यूजर को सामान बेचता हूँ, तो रेट में अगर आप एमआरपी पे सामान बेचना चाहते हो तो एमआरपी से रेट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, सीरीज के लिए आप कहते हो मैं होलसेल सीरीज में बिल काटूँ तो जीएसटी एक्सक्लूसिव लगना चाहिए, और रिटेल सीरीज में बिल काटूँ तो जीएसटी इंक्लूसिव लगना चाहिए, राइट। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, अगर आप कैलकुलेशन वाइज सॉरी सीरीज वाइज कैलकुलेशन चाहते हो, नोट कर लीजिएगा, सीरीज वाइज कैलकुलेशन के लिए गो टू कंट्रोल रूम कैलकुलेशन, कल पढ़ाया था उसी के नीचे वाला ऑप्शन है। सीरीज वाइज कैलकुलेशन के लिए गो टू कंट्रोल रूम कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में जब जाएंगे कुछ सर्च नहीं कराना है, पहले पेज से नीचे आ जाएंगे, वही पॉइंट। कल जो आपने कैलकुलेशन सेट किया था पार्टी वाइज, तो पार्टी के लेजर में अदर डिटेल में पूछता था इंक्लूसिव करना 9 एक्सक्लूसिव करना है 2, वो चीज आप सीरीज में चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, एस कर दोगे, ठीक है। अब देखो अब सीरीज मॉडिफाई सीरीज में कर दिया, अब सीरीज मॉडिफाई करो जरा, तो किया देखो होलसेल में गए, ये देखो होलसेल में 2, ठीक, और रिटेल में गए, रिटेल में ये मैं ऑप्शंस बता देता हूँ आपको, आपकी लगता है आपको यूज करना तो आप कर सकते हो, यहाँ 9 कर दिया, यानी अगर मैं किसी कस्टमर को होलसेल में बिल काटूंगा तो जीएसटी अलग से लगेगा, और अगर रेट के अलावा लगेगा जीएसटी अलग से, और अगर रिटेल में बिल काटूंगा तो रेट में जीएसटी इंक्लूड होगा। प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, होलसेल वो एक ही आइटम बेचूंगा ताकि आपको समझ में आए, आइटम एम के 10 पीस, देखो जीएसटी अलग से लग रहा है, 200 रुपए वैल्यू ऑफ गुड्स रेट इनटू क्वांटिटी और 24 रुपए जीएसटी अलग से, ठीक। अगर यही मैं रिटेल में बिल काटूं ₹40, यानी 400 होना चाहिए, तो 400 प्लस जीएसटी नहीं होगा, 400 में जीएसटी इंक्लूड होगा, ये देखो 357 वैल्यू ऑफ गुड्स हो गया, ₹42 कुछ पैसे जीएसटी पर। समझ में आया नहीं आया ये बताइए, यानी कैटेगराइजेशन है रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, इवन मैं एक बार डिस्काउंट का भी चेक कर लेता हूँ, सीरीज एक मिनट में एक बार चेक करके फिर बताता हूँ। तो कैश क्रेडिट सीरीज भी सेलेक्ट कर सकते हो, हाँ एक मिनट दीजिएगा मुझे, ये देखिए बिल डिस्काउंट के लिए दिया है कि बिल डिस्काउंट, मैं डिस्काउंट से एक बार सर्च करा देता हूँ, ये भी यूजफुल है कि भाई होलसेल में अलग डिस्काउंट देंगे, होलसेल की सीरीज में रिटेल की में अलग देंगे, एक मिनट दीजिएगा मुझे। एक मिनट रुक जाएगा, आप भी देखिए सीरीज कहीं आए तो बताइएगा, कंट्रोल रूम पढ़ना पड़ता है वैसे। चलिए सीरीज से सेट कर लेते हैं, इससे टाइम ज्यादा लंबा लगता है, ठीक है। चलिए पहले इसको पढ़ाने से पहले एक चीज मैं पढ़ाता हूँ, पहले वो पढ़ लीजिए फिर इसी पे आऊंगा। अब ये देखिए एक चीज और समझ लीजिए मुझसे पहले आप लोग, मैं होलसेल में बिल काट रहा हूँ, ठीक है। अब इधर देखिए जैसे आइटम एम के बेच रहा हूँ 10 यूनिट, आइटम वाई एल बेच रहा हूँ 20 पीस, अब देखो बिल बना 448 रुपए का, तो कस्टमर ने कहा कि सर कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं दोगे, हमने कहा चलो एक काम करो 50 रुपए का डिस्काउंट ले लो, या एक अमाउंट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इसको ही 20 कर लेते हैं, 20 नहीं 50 कर लेते हैं, ठीक इसको भी 25 कर लेते हैं। चलिए
जैसे मान लीजिए विपिन जी मेरे पास सामान लेने आए, कहें सर आइटम एम के दे दो और आइटम वाई एल दे दो। हमने जब बिल बनाया, हमने कहा विपिन जी आपका 1400 रुपये हो गया, तो विपिन जी कहने लगा सर कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं दोगे, 1400 रुपये का सामान ले रहे हैं कुछ तो डिस्काउंट दो। हमने कहा विपिन जी चलिए 100 रुपये मत दीजिएगा, 100 रुपये का डिस्काउंट ले लीजिए। तो देखो ये जो डिस्काउंट होता है ये टोटल हम बिल वैल्यू पे दे रहे हैं, कि बिल वैल्यू में से 100 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो अनम्यूट कर रहा हूँ, ये बिल डिस्काउंट कहाँ मेंशन किया जाता है आप में से कोई बताएगा मुझे? तो टैब दबा के नीचे अच्छा टैब दबा के आ ही नहीं रहा है, ये लो देखिए। भी ऑप्शन ऑन करना हाँ पड़ेगा। देखिए देखिए, दो दो चीजें होती हैं। एक यहां जो ये डिस्काउंट आप मेंशन करते हो, ये जो डिस्काउंट मेंशन करते हो इसको क्या बोलते हैं? ये तो तो आइटम पे, आइटम डिस्काउंट ये आइटम पे डिस्काउंट हो गया कि इस पे 4% का डिस्काउंट दिया, इस पे 5% का डिस्काउंट दिया। ये आइटम वाइज डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहा है कि 50 × 20 और 4% का डिस्काउंट जाएगा। ठीक, ये इतना क्लियर। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी, जैसे हमने मान लो आपको 20,000 का सामान बेचा, सर आपने कहा सर कुछ डिस्काउंट नहीं दोगे, हमने चलो ठीक है 500 रुपये या 10% का डिस्काउंट, तो इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट। नोट कर लीजिएगा, कई लोग इसके बारे में पूछते हैं। तो अगर हमें सेल बिल बनाते हैं, सेम इसका उल्टा हो सकता है परचेज में, सेम इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने, मैंने आपसे सामान परचेज किया 20,000 रुपये का, तो आपने बिल में नीचे 20,000 रुपये के सामान खरीदने पर मुझे 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है, तो वो आइटम वाइज डिस्काउंट नहीं दिया है। वो जो परचेज बिल मेरे पास आया है तो आइटम पे डिस्काउंट नहीं है। एक मिनट, वो यहाँ पे मेंशन है जो बिल यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट, टोटल बिल वैल्यू पे डिस्काउंट। तो ये बिल वैल्यू पे डिस्काउंट जो होता है परसेंटेज में भी हो सकता है, और बिल कट 10% का डिस्काउंट या 500 रुपये और अमाउंट में भी हो सकता है। तो इसको करने के लिए अगर अगर आपको बिल पे डिस्काउंट अलाउ करना है तो जैसे मान लीजिए हमने मान लीजिए इनको 1,064 रुपये का सामान बेचा, जिसमें वैल्यू ऑफ गुड्स था 950 रुपये, 114 रुपये जीएसटी था। तो वो कहने लगे हैं कि सर कुछ इतना सामान, 1,000 रुपये का सामान ले रहा, कुछ डिस्काउंट नहीं दोगे? तो अगर आपको बिल डिस्काउंट चार्ज करना है बिल में, तो आप यहाँ पे दिखाते हो ये जो एरिया दिया है, एक मिनट जाइएगा थोड़ा ये, लेकिन जब हम टैप करके कर्सर ला रहे हैं तो वहां पे कर्सर आ ही नहीं रहा है। तो नोट डाउन करिए, बिल डिस्काउंट इनेबल करने के लिए गो टू कंट्रोल रूम, बिल डिस्काउंट इनेबल करने के लिए बिल डिस्काउंट इनेबल करने के लिए गो टू कंट्रोल रूम एंड सर्च, कंट्रोल रूम में गए एंड सर्च बिल डिस्काउंट। नोट करिए, बिल डिस्काउंट सर्च करने के लिए गो टू कंट्रोल रूम एंड सर्च बिल डिस्काउंट। ठीक, अब ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ये वाला पॉइंट पढ़िए, बिल डिस्काउंट वाई बोथ, यानी परचेज में भी आपको चाहिए, सेल में भी चाहिए, माल खरीद के ला रहे हैं बिल में डिस्काउंट मिला वहां मेंशन करना है, यानी वो जो नीचे कर्सर जहां रुक नहीं रहा था उसको रोकने के लिए, कि वो बिल डिस्काउंट पे कर्सर केवल सेल में रुके, केवल परचेज में रुके या बोथ में। हमने कहा केवल सेल में, तो एस करेंगे सेल में, पी करेंगे परचेज में, वाई कर देंगे बोथ। ठीक, फिर सेकेंड, बिल डिस्काउंट बिल में, आइटम में या बोथ, तो हमने कह दिया बोथ वाई। अगला, बिल आस्क डिस्काउंट इन अमाउंट नो, पी परचेज एस सेल बी बोथ। अमाउंट में डिस्काउंट पूछे, अगर नो करोगे तो नहीं पूछेगा, आप कहते हो नहीं मुझे परचेज में भी चाहिए या सेल में भी चाहिए या बोथ में, तो यहाँ पे भी बी कर लेते हैं। चलो इसको भी बी कर लेते हैं, परचेज सेल दोनों में चाहिए मुझे, वाई कर लेते हैं सॉरी। तो ये पहली सेटिंग, दूसरी सेटिंग और तीसरी सेटिंग इंपॉर्टेंट है, तीनों सेटिंग नोट कर लीजिए, रफली नोट कर लिया करिए ताकि याद रहे।
ठीक है। अब देखिए स्केप करते हैं बाहर आ गए, फिर सीरीज वाइज बता दें। अब देखिए, अब जब मैं बिल काटने जा रहा हूं मिस्टर आर को, ठीक, अब देखिए इनका बिल बना 2755 रुपए का, जिसमें 2500 रुपए वैल्यू ऑफ गुड्स है, ये डिस्काउंट हटा दे रहा हूँ ताकि समझ में आए आप लोग, ठीक। जिसमें देखिए आपका 2500 रुपए का सामान है, 300 रुपए जीएसटी लग रहा है। तो भाई मिस्टर आर ने हमसे कहा कि भाई आपसे 2800 का सामान ले रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, तो हमने कहा अभी वो टैब जैसे ही करेंगे तो ये देखो आ गया। अगर आपको परसेंटेज में देना है 10%, हमने चलिए 10% का डिस्काउंट देते हैं, तो जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं मिलता है, वैल्यू ऑफ गुड्स पे मिलता है। 2500 रुपए के सामान पे डिस्काउंट, यानी 250 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा, ये देखिए। और उसी प्रपोर्शनेट में आपका जीएसटी हुआ, फिर से देख लीजिए एक मिनट, एंटर। जैसे हमने आपको 2500 रुपए का सामान बेचा, अब आप कह रहे कुछ डिस्काउंट दो, तो डिस्काउंट हम परसेंटेज में दे सकते हैं कि चलो भाई 10% का डिस्काउंट ले लो, 10% मत देना, या फिर आप अमाउंट में। तो अगर आप परसेंटेज में देना चाहते हो तो आप परसेंटेज टाइप करो, तो वो इसका कैलकुलेट करेगा 10%। 10% अगर हम डालेंगे तो 2800 का नहीं करेगा, 2500 का करेगा, ये देखिए, ठीक। और नियम भी यही है, लेकिन आप कहते तो नहीं मुझे अमाउंट में देना है, तो यहाँ पे आइए और यहाँ सीधे अमाउंट लिख दीजिए, चलो भाई 120 रुपये मत देना, ये लो। तो सीधे अब देखिए बिल वैल्यू भी ये बिल वैल्यू देखो, अरे भाई 2500 रुपये के सामान में 120 रुपये डिस्काउंट दे दिए, तो कितना बचा, 2380 रुपये। तो 2380 रुपये पे जरा जीएसटी 12% कैलकुलेट करो, तुम 285, देखना ये देखो आ गया ना 285, समझ में आया। तो आप अमाउंट में भी बिल डिस्काउंट सेट कर सकते हो और परसेंटेज में, ये क्लियर है, ये क्लियर हो तो बताइए आगे बढ़ें। और सेम ये इसकी जरूरत मालूम कहाँ पड़ती है, अभी अभी एक पर्सन हमसे क्वेश्चन पूछा था कल ही कि सर हमारे हम परचेज चढ़ा रहे हैं, ये देखिए कहना कि हम परचेज चढ़ा रहे हैं, हमने आशु जी से सामान परचेज किया, हमने कहा ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं जब हमने आशु जी से सामान खरीदा है, तो माइल मान लीजिए हमने खरीदा है आइटम एमके के 200 पीस और आइटम वाईएल के 100 पीस, हमने कहा ठीक है। तो सर बिल्कुल बिल चढ़ा रहे हैं, तो ये वैल्यू 2500 आई, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट भी है, तो उसको आप टैब दीजिए। देखो अगर आपने कंट्रोल रूम में बिल डिस्काउंट में केवल सेल के लिए किया होता तो कर्सर यहाँ नहीं रुकता, अब वो अमाउंट में, यहाँ अमाउंट आया, उन्होंने हमें 232 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो 232 डाल दिया इसके भी, देखिए समझ में आया। अब हम बिल डिस्काउंट सीरीज वाइज सेट करना चाहते हैं, होलसेल सीरीज में बिल काटे तो इतना डिस्काउंट जाना चाहिए, रिटेल सीरीज में बिल काटे तो इतना डिस्काउंट जाना चाहिए, तो उसके लिए आप गए यहाँ सीरीज सर्च कराइए, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को, चैट में लिख के बताइए, तो यहाँ सीरीज लिया, कैलकुलेशन टाइप तो सीख ही लिया आप लोग, बिल डिस्काउंट हमने कहा वाई, सीरीज वाइज बिल डिस्काउंट यस। अब हम सीरीज वाइज बिल डिस्काउंट लेना चाहते हैं, ठीक है। आप देखिए जैसे ही मैंने इसको ये वाला ऑप्शन यस किया, अब जब चेक करिएगा, जब आप सीरीज को सारा काम सेटिंग सारी सीरीज में ही करनी है, F3, एक मिनट जाइए, ठीक 10% नहीं, लेकिन ये सीरीज बेच काम क्यों नहीं करता, देखता हूँ मैं।
एक मिनट रुक जाइएगा। एक बार चेक करते हैं क्या, एक बार करना पड़ता है क्या होलसेल। देख इसको देख के मैं बता दूंगा, ठीक है, इसको चेक करके बताऊंगा डिस्काउंट से। ठीक, तो भाई ये जो था, ये जो कॉन्सेप्ट है सीरीज वाइज, इसका केवल यूज नहीं है कि सेल ट्रांजेक्शन को आपको कैटेगराइज करना है तभी आप सीरीज का यूज करो। अगर आपके कस्टमर अलग अलग रेट पे आप माल बेचते हो तो आपको कस्टमर में रेट सेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीरीज बना लीजिए और सीरीज वाइज भी आप रेट सेट कर सकते हो। बस आपको कस्टमर को बताने की जरूरत नहीं है इस कस्टमर को किस रेट में माल बेचा जाएगा, सिर्फ आपने बता दिया अगर इस सीरीज में बिल कटेगा तो ए रेट में माल बिकेगा, इस सीरीज में बिल कटेगा तो बी रेट में माल बिकेगा। ठीक है, देख के बता देंगे विपिन जी, देख के बता देंगे, होता है। एक मिनट रुके रहिए, देख के बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो सीरीज वाला टॉपिक मैंने बता दिया कि इसका यूज क्या। अब आप इसको, कुछ लोग कहते हैं कि अब इसमें आप चाहें तो कैश और क्रेडिट की सीरीज बना सकते हैं, सेम कैश क्रेडिट की भी सीरीज बना सकते हैं। ये कैश सीरीज में बिल बने तो इस रेट में माल बिकना चाहिए, क्रेडिट सीरीज में बिल कटे तो इस रेट में माल बिकना चाहिए। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, एक मिनट दीजिए मुझे जरा, तो ये वाला टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया गया है, ये रिटेल का फीचर है, ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, ग्रुप ऑफ अकाउंट। चलिए मैं बताता हूँ, इस टॉपिक को भी 10 मिनट लगेगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया फीचर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये फीचर रिटेल में ज्यादा यूज होता है बट ये होलसेल रिटेल दोनों में यूज कर सकते हैं। क्या है, देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए आपका स्टोर है, ठीक, ये कोई है मिस्टर ए, आपका एक स्टोर है और आपके कस्टमर हैं, ये आपके कस्टमर हैं, ध्यान समझना बात को, मिस्टर ए भाई, आप इनको उधार में सामान बेचते हो और महीने में आके आपके यहाँ हिसाब कर जाते हैं, डेली यूज का सामान लेते हैं और महीने में एक बार आपके आके हिसाब कर जाते हैं। अब ये मिस्टर ए ने आपसे बोला, एक मिनट होल्ड करिएगा, ध्यान समझना, अच्छा फीचर है और छोटा सा है। मान लीजिए मैं बिजनेसमैन, राजेश जी हैं, तो राजेश जी मेरे यहाँ से उधार सामान लेते हैं, हमें मालूम है राजेश जी अच्छे आदमी है, बहुत पुराना संबंध है हमारा, तो राजेश जी हमसे उधार सामान लेते हैं और महीने में एक बार आके पूरा पेमेंट कर जाते हैं। अब राजेश जी ने कहा, मान लो राजेश जी हैं मेरे कस्टमर, मेरा स्टोर है, ठीक है, ध्यान समझिएगा ये यूज होता है आप लोगों में, ठीक, राजेश जी ने मुझसे कहा कि भैया ये जो मिस्टर पी हैं, हमने कहा ठीक है सर, और कहें मिस्टर टी जो हैं, हमने कहा ठीक है सर, और हमने कहा इन्होंने कहा मिस्टर वाई जो हैं, हमने कहा ठीक है सर, ये तीनों लोग हमारे जानने वाले हैं, हमारे ही घर के हैं, हमने कहा अच्छा, तो कहें कि अगर इन तीनों में से कोई आपके यहाँ उधार सामान लेने आए तो इनको मना मत किया करिए, इनको उधार सामान दे दिया करिए और इनका जो भी पैसा होता है वो मेरे आउटस्टैंडिंग बैलेंस में जोड़ दिया करिए। हमने कहा ठीक है सर। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान समझना, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। इधर देखिए, मान लीजिए मैं सीरीज बंद कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को,
देखिए, मान लीजिए, ध्यान समझना तभी समझ में आएगा क्वेश्चन ये। मान लो मिस्टर राजेश हैं, नहीं बना है, समझना, मिस्टर राजेश हैं, ये हमारे पुराने कस्टमर हैं। मिस्टर राजेश हमारे पास फरवरी में है, कहें कुछ सामान दे दीजिए। हमने कहा बिल्कुल बताइए। कहने लगे एजमिन कैप का 1 पीस, हमने कहा और बताइए। कह रहे कैंडी के 2 पीस, हमने कहा ठीक है। इन्होंने कहा आइटम एमके के 3 पीस, हमने कहा ठीक है, और आइटम 1 के 4 पीस, हमने ठीक है, आइटम SD के 5 पीस, हमने ठीक है। हमने कहा सर 733 रुपये हो गए, क्या ठीक है। हमने बिल बना दिया और इनके इनका हिसाब चलता है, इनके लेजर में 733 रुपये ऐड हो गए। ठीक। अब मिस्टर राजेश ने कहा कि एक हैं हमारे कस्टमर, एक हमारे फैमिली के ही लोग हैं, मिस्टर विपिन। हमने कहा ठीक है सर, अगर मिस्टर विपिन जी हमारे आपके यहाँ से कोई सामान लेने आए तो उनको मना मत किया कि उधार सामान दे दिया करिए, मेरे जानने वाले हैं और उनका जो भी पैसा होगा वो मेरे खाते में नोट कर लिया करिए। हमने कहा ठीक है सर। तो भाई ये बताओ, अब मिस्टर विपिन अगर सामान ले रहे हैं तो बिल हम मिस्टर विपिन के नाम पे काटेंगे या मिस्टर राजेश के नाम पे काटेंगे? चैट बॉक्स में लिख के बताइए बताइए। अगर मिस्टर विपिन हमारे यहाँ से कुछ सामान उधार लेके जा रहे हैं तो बिल जो हम बनाएंगे मिस्टर विपिन के नाम पे बनाएंगे या मिस्टर राजेश के नाम पे बनाएंगे? बिल्कुल सही, मिस्टर विपिन के नाम पे, क्योंकि सामान जो आदमी ले रहा है उसी के नाम पे बिल कटेगा। मिस्टर विपिन के नाम पे बिल काट रहे हैं तो अगर देखो तो मिस्टर विपिन के नाम पे हम बिल काट रहे हैं, ठीक, मिस्टर विपिन के नाम पे अगर मैंने बिल काटा तो ये तो उनके हिसाब में जुड़ गया, विपिन जी के हिसाब में। और हमसे बोला था राजे राजेश जी ने कि भाई विपिन जी आपके यहाँ से कोई भी सामान ले जाए तो उनको मना मत किया करिए, उनको उधार दे दिया करिए, और वो जो भी उधार सामान लेते हैं उसका तो, यानी बिल तो मिस्टर विपिन के नाम पे ही बनना चाहिए था, लेकिन आउटस्टैंडिंग जो 215 रुपए है वो किसके खाते में जुड़ने चाहिए थे? राजेश जी के खाते में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए था। अब गड़बड़ हो रही है ना, कंसेप्ट काम नहीं कर रहा है। तो अब एक बार मैं देखिए, नहीं समझ में आया तो अब हमने ये तो काम हो ही नहीं रहा था। जब हमें मालूम है कि विपिन जी हमारे यहाँ से कोई भी सामान ले जाएंगे तो राजेश जी ने बोल रखा है उनका जो भी लिया करे उनको दे दिया करो, उनका हिसाब मेरे खाते में नोट कर दिया करो, मैं पैसा दे दूंगा। तो अब अगर मैं विपिन जी को बिल बना रहा हूँ तो आउटस्टैंडिंग तो विपिन जी के लेजर में क्रिएट हो रही है। अब मान लीजिए ऐसा थोड़ी ना होगा, जब राजेश जी हिसाब करने आएंगे तो राजेश जी का लेजर चेक करूंगा, फिर विपिन जी का लेजर चेक करूंगा, फिर टोटल करूंगा, फिर बताऊंगा। तो इसके लिए एक तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ अकाउंट, यानी आप इसको ये भी बोल सकते हो फैमिली अकाउंट, कि एक परिवार में 5 लोग हैं वो आपके यहाँ से उधार ले जाते हैं तो जो उनका मेन पर्सन, उन्होंने कहा हमारी फैमिली से कोई भी उधार सामान लेने आया तो मेरे खाते में लिख दिया करो, बिल जो ले जा रहा है उसके नाम पे काट दो। रिटेल में ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ग्रुप ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है। लेजर आप सबका बनाओगे, 5 मेंबर हैं, पांचों का लेजर अपने आप क्रिएट करोगे, पांचों में से जो पर्सन सामान लेके जा रहा है बिल उसी के नाम पे कटेगा। अगर ए सामान लेके जा रहा है ए के नाम पे, बी सामान ले जा रहा है बी के नाम पे, सी सामान ले जा रहा है सी के नाम पे, डी पर्सन सामान ले जा रहा है डी के नाम पे, अगर ई पर्सन सामान ले जा रहा है ई के नाम पे। लेकिन बी सी डी ई ये चारों पर्सन जितना भी उधार सामान ले जा रहे हैं इसका आउटस्टैंडिंग ए के खाते में जुड़ना चाहिए। और इसके लिए कुछ नहीं करना, मैं एक और लेजर बना ले रहा हूँ, मिस्टर अतुल। अब राजेश जी ने कहा कि अतुल और विपिन आपके यहाँ से कोई भी उधार सामान लिया करे तो उनको उधार दे दिया करो और उनका जो भी पैसा होता है वो मेरे खाते में जोड़ दिया करो। तो मैं सॉफ्टवेयर से ये चाहता हूँ कि राजेश जी को बिल बनाऊं, अतुल को बिल बनाऊं, विपिन को बिल बनाऊं, तो तीनों का जो आउटस्टैंडिंग, यानी विपिन को माल बेचूं तो भी आउटस्टैंडिंग राजेश जी के लेजर में जुड़नी चाहिए, अतुल को बिल बनाऊं तो भी आउटस्टैंडिंग राजेश, क्योंकि राजेश जी ने कहा ये हमारे फैमिली के मेंबर है। तो कैसे होगा नोट करिए, इसके लिए कुछ नहीं करना है, रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, और यहां जाएंगे ग्रुप ऑफ अकाउंट। ठीक है, ग्रुप ऑफ अकाउंट पे जैसे ही हम एंटर करेंगे
तो पहले जो मुखिया है, मेन पर्सन है, उसका लेजर सेलेक्ट करिए, मिस्टर राजेश। एंटर। देखो ये दो बार नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ। लिख लीजिए रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, यूटिलिटी, ग्रुप ऑफ अकाउंट, क्योंकि एक बार हो जाएगा उसका दोबारा नहीं बताएंगे। ठीक है, एंटर करके पहले मेन पर्सन का नाम, जिसके लेजर में सारा आउटस्टैंडिंग पोस्ट का, मिस्टर राजेश। अब मिस्टर राजेश ने बोला है एंटर, देखो ऊपर क्या आ रहा है, ग्रुप ऑफ कंपनी। तो सॉफ्टवेयर को हम ये बता दें कि राजेश जी ने बोला है कि अगर मिस्टर विपिन आपके यहाँ से कोई सामान लेके जाते हैं तो उसका पैसा मेरे लेजर में जोड़ना। तो ग्रुप ऑफ कंपनी बताना पड़ेगा ना कि राजेश जी के और कौन कौन लोग हैं उनके साथ के। तो स्टार की यूज करते हैं यहाँ पे, स्टार की प्रेस कर दीजिए मिस्टर विपिन पे। ये देखो और कौन था, मिस्टर अतुल, इस पे भी स्टार की कर दीजिए। यानी मतलब हो गया, अतुल को बिल बनाएंगे तो भी उसका जितना बिल उधार देंगे वो राजेश जी के खाते में जाएगा, और विपिन जी को बस इतना करना है और स्केप करके बाहर आ जाए। चैट बॉक्स में लिख के था, इतना समझ में आ गया, हो गया है काम। ओके ठीक। अब देखो जादू, राजेश जी 25 फरवरी को आए, पहले राजेश जी को बिल बनाते हैं। मिस्टर राजेश, राजेश जी ने कहा सर सामान दे दो, हमने कहा बताइए क्या चाहिए। आइटम एल के 25 पीस और ओमेश जी के 4 पीस, हमने ठीक है। हमने कहा सर ये 2914 रुपये का बिल होगा, कहें ठीक है, पहले भी उधार ले जा चुके हैं तो देखो 2914 रुपये की आउटस्टैंडिंग इनकी बढ़ जाएगी, 3647 रुपये हो गया, राजेश जी चले गए। अब राजेश जी के एब्सेंस में मिस्टर विपिन जी हमारे पास आए और कह रहे हैं कुछ सामान दे दो। हमने कहा बिल्कुल बताइए विपिन जी क्या सामान चाहिए। अब देखो विपिन जी को बिल बना रहे हैं, ठीक, तो हमें हमें बताया गया है कि विपिन जी को आप उधार दे दिया करिए जितनी वैल्यू का उधार लेते हैं, और वो पैसा मेरे राजेश जी का मेरे खाते में जुड़ा था। तो देखो मैं बिल बना रहा हूँ विपिन जी को 12 पीस। हमने कहा और बताइए विपिन जी, विपिन जी ने कहा आइटम MK के 15 पीस दे दीजिए। हमने कहा और बताइए, कहने लगे कि कैंडी भी दे दीजिए 10 5 पीस। हमने कहा और बताइए, कहने लगे एजमिन कैप भी दे दीजिए 5 पीस। हमने कहा और बताइए, कहने हमने कहा 2500 रुपये। अब देखो ये 2500 रुपये का बिल बेच किसको रहा, मान विपिन को, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग किसके में जुड़नी चाहिए, राजेश जी में। जब सेव करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, समझ में आया, सेव कर लिया। अच्छा अब अगले दिन अतुल जी आए, अतुल जी कहने लगे कि सर सामान चाहिए। अब हमें पता है, हमें मालूम है कि अतुल जी जो भी सामान लेंगे सब तो उनके खाते में, तो सॉफ्टवेयर को पता है तो उसे बताने की जरूरत है नहीं। ये 20 पीस ये ले गए, 10 पीस ये ले गए, हम सामान दे दिया इनको, बिल बना दिया। सॉरी उस बार एक चीज दिखाना भूल गया था मैं, वो भी दिखा दूंगा, बिल प्रीव्यू भी दिखा दूंगा। अब ये सामान लिया हमारे यहाँ से कितने रुपए का, 1093 रुपए का। लेकिन वो जो आउटस्टैंडिंग बिल प्रिंट करेंगे ना, तो बिल अतुल के नाम पे ही प्रिंट होगा, ये देखिए, क्लियर। अब भाई मिस्टर राजेश मेरे पास आए मंथ के एंड में, कह रहे हैं कि सर बताओ अपना हिसाब, बताओ हिसाब कर दें। हमने कहा सर आपका हिसाब हुआ 7333 रुपए का। कहें सर इतना ज्यादा कैसे हो गया, मैंने तो 3 ही हजार का सामान लिया, उसका तो मैं बाहर था, कुछ लिया ही नहीं। हमने कहा आप लोगों को शॉर्टकट की बताई थी ना आउटस्टैंडिंग, हमने कहा F8 कर दो ही, हमने कहा अभी बता देते हैं, एक मिनट ऐसे नहीं, ले F एंटर करो इस पे, लेजर पे, राजेश के लेजर पे F4 प्रेस करो, F4 से लेजर की हिस्ट्री ओपन होगी। F4 किया, हमने कहा अभी बता देते हैं, ये देखिए। हमने कहा सर आप सब 25 फरवरी को आए थे हमारी शॉप पे, 733 रुपये का उधार लेके गए थे। राजेश जी ने कहा बिल्कुल। फिर हमने कहा फिर आए थे आप मेरी शॉप पे और 2900 रुपये का सामान लेके, हाँ। फिर हमने कहा सर देखो फिर एक बार आपके एब्सेंस में मिस्टर विपिन आए थे हमारी शॉप पे और 2593 रुपये का सामान ले गए थे बिल नंबर 6 में, और आपने कहा था विपिन जी जो भी हमारे यहाँ से उधार सामान खरीदेंगे वो बैलेंस मेरे में जोड़ना। कहें अच्छा और बताओ। हमने कहा फिर एक बार मिस्टर अतुल जी आए और वो बिल नंबर 7 में 1093 रुपए का सामान ले गए और वो भी बैलेंस मैंने आप में ही जोड़ा है। अब
राजेश जी का ये 1,693 रुपये क्या लगे ये बता सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल बता सकते हैं, ताकि वो घर में पूछ सके अपने। हमने कहा ये आइटम ले गए। समझ में आई ना बात भाई? अगर उनको क्रॉस चेक करना होगा तो अतुल से पूछेंगे, अतुल कहेगा हाँ हाँ ये सामान हम लेके आए थे घर के लिए। तो पॉइंट क्लियर है ना कैसे होता है, ग्रुप ऑफ अकाउंट का यूज समझ में आ गया, तो रिटेल में क्यों सर होता है। हाँ जी ये बोल रहा था कि ये सर अगर जो पैसा जमा करेंगे वो किसके नाम पे करेंगे, राजेश के नाम पे ही सर, पैसा जमा करेंगे मतलब जो एडवांस? रिसिप्ट नहीं नहीं जो पैसा बाकी हो रहा है इसका हाँ, तो उसको राजेश के नाम पे ही जमा करेंगे, वो मतलब ऑटोमेटिक कर रहे, आप कर रहे हो क्या? वो तो ऑटोमेटिक ही हो रहा है। नहीं सर रिसिप्ट में जाके उसके नाम पे पैसा जमा करेंगे ना मतलब कहने का मतलब विपिन जी, राजेश जी आपको पैसा दे रहे हैं ना? सर, जो राजेश जी का बैलेंस उसको जमा कैसे करेंगे, सॉरी विपिन का और अतुल का जो बैलेंस उसको जमा कैसे करेंगे। अरे भाई मतलब यही, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि जमा का मतलब आप ये कहना चाहते हो ना, वो राजे जो उसका पैसा मुझे मिलेगा कैसे? हाँ हाँ तो वो रिसिप्ट में राजेश से लेंगे ना हम। अच्छा तो जो रिसिप्ट जमा करेंगे वो राजेश के नाम पे ही बिल्कुल, करेंगे। जब जब सारी आउटस्टैंडिंग उनके नाम पे खड़ी है तो उन्हीं से तो पैसा लोगे। और सर दूसरा एक और चीज था तो हाँ अलग था थोड़ा सा, पूछे बताइए। सर ये मतलब क्रेडिटर का आउटस्टैंडिंग किस टाइप से निकलेगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो रिपोर्ट बताए थे बुक मेनू में, बुक मेनू में गए ठीक है, आउटस्टैंडिंग में गए ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो एरिया दिया क्रेडिटर के लिए दिया है ना, तो अगर सबका देखना है तो होल, किसी पर्टिकुलर एक का देखना है तो उस पार्टी का। ठीक, सर डेट भी पूछता है इसके बाद, तो डेट आज का डालना कहाँ डेट? ये एज ऑन डेट वही रहेगी, आज ही निकाल, वो रिपोर्ट डेट है, कब निकाल ले। ठीक सर। अब ये देखिए किसका देखना है, हमने कहा मिस्टर जेएल का, बता दिया बिल नंबर, इसमें 1 अप्रैल 22 को 10,000 वैल्यू का सामान लिए थे, पेमेंट नहीं किए हैं तो इसलिए दिखा रहे हैं। सर इसको पीडीएफ फॉर्म में अप करना है तो तो पीडीएफ ऑल्ट पी करके प्रिंट आउट निकालो ना। यहाँ पे गए और यहाँ से पीडीएफ फिर निकाल लो, पीडीएफ क्लिक करके ठीक है, ये ठीक ठीक सर है ओके। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे ठीक है। ओके सर थैंक यू वेरी मच। इसको ग्रुप और अकाउंट को यूज करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक सर। ओके।